हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो गूगल शीट का है और गूगल शीट में हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से चेकबॉक्स बनाएं और उसके ऊपर कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के नाम रखे हुए हैं और फिर यहाँ पे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये वीक्स में जो दिन है जिन दिनों में छुट्टी नहीं रहती है उन दिनों के नाम लिख रखे हैं मैंने, और फिर प्रेजेंट डेज और एबसेंट डेज लिख रखा है। ठीक है, तो अभी चेकबॉक्स कैसे बनेगा सबसे पहला सवाल। तो चेकबॉक्स बहुत ही आसानी के साथ आप इंसर्ट पे जाइए और यहां पर आपको मिल जाता है ऑप्शन चेकबॉक्स का, आप यहां पर क्लिक कर दीजिए केवल। तो यहां देखिए चेकबॉक्स आ चुका है, अब इसको आपको ड्रैग करना है नीचे। ये देखिए ये नीचे ड्रैग किया हमने, यहां पर चेकबॉक्सेस बन गए। ठीक है, और यहां से अब फिर आप चले जाइए राइट साइड में और यहां पर भी बन जाएंगे चेकबॉक्सेस। तो यहां सारे में चेकबॉक्सेस आ चुके हैं, अब करना क्या है, अब करना ये है कि कहीं पर एब्सेंट कहीं पे प्रेजेंट लगाना है। तो ये राजू हैं, ये बहुत पढ़ते हैं और ये जो है पूरा प्रेजेंट ही रहे हैं, एक भी दिन एब्सेंट नहीं किया इन्होंने। ठीक है, फिर ये राम है तो थोड़ा सा इन्होंने एक दिन एब्सेंट कर दिया है, और फिर ये श्याम है इन्होंने पहले दिन एब्सेंट कर दिया, फिर दूसरे दिन प्रेजेंट हुए, फिर इस तरह से करके हमें कुछ कर देना है इसमें, और ये देख सकते हैं आप। अब ये एक डिटेल हमने बना ली। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज होगा यहां पर भी जो आप एक्सेल में यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। यहां से थोड़ा सा इस एरिया को मैं एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूं, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, ये देखिए ये अलग कलर प्रोवाइड कर दिया हमने, अब यहां पर वो फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो इज इक्वल टू लगाएंगे काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ लगा दिया, यहां पर काउंट इफ लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये ड्रैग कर लीजिए, आप जितने चेक बॉक्सेस आपने बनाए इन सबको ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, ट्रू का मतलब होता है प्रेजेंट और फॉल्स का मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है, ये समझ लीजिए आप, और यहां पे लिख दिया मैंने ट्रू। अब ये केवल टिक वाले को काउंट करेगा, ट्रू लिखने से क्या होगा, केवल टिक वाले को काउंट करेगा। इसको क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, अब देखिए कुल मिला के 6 दिन ये प्रेजेंट रहेगा। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डेज आ गया। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आया हुआ है ऑटोफिल, सजेस्टेड ऑटोफिल, तो आप यहाँ पे टिक पे करिए क्लिक, टिक पे कर देंगे क्लिक तो ये ऑटोफिल होकर आ जाएगा, और अगर कट के निशान पे आप क्लिक करते हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं टिक के निशान पे क्लिक कर देता हूँ, ये सब आ गया देख सकते हैं आप, इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर दिखाई पड़े। अब देखिए यहाँ पर एब्सेंट डेज काउंट करना है, तो ये भी बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा काउंट और इफ ये लगा दिया, और अब यहां से आप ड्रैग करिए। ठीक है, ड्रैग कर लिया, कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद यहां पे सिर्फ लिख दीजिए फॉल्स। आपको याद होगा कि ऐसी ही ट्रिक हम यूज करते थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा टाइप होता था वो, और यहां पर चेकबॉक्स दिया ही हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप चेकबॉक्स बना करके और इस तरह की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और भी किसी आपको कहीं जरूरत पड़े तो ऐस कर सकते हैं, और यहां पर ये जैसे ही ऑटोफिल पे क्लिक कीजिएगा तो ये सब आ जाएगा, कितना दिन एब्सेंट है कितना दिन प्रेजेंट है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चेक बॉक्स वाली वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।